त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही मिलावटी मिठाइयों को रोकने फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। शहर में बनने वाली मिठाइयों के प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है। वहीं फूड सेफ्टी विभाग द्वारा कई दुकानों में जांच सैंपल भी लिए गए हैं। दरअसल त्योहारों के नजदीक आते ही अंबिकापुर शहर सहित जिले भर में खाद्य विभाग के द्वारा नकली खोआ व गुणवत्ताहीन मिठाइयों की बिक्री पर कार्रवाई की जा रही है। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट सहित डेयरी कुल 4 जगहों पर छापा मारकर नमूना सैंपल जांच हेतु भेजा है। वहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इसलिए जो है हमने जितने भी हमारे सरगुजा संभाग में 6 जिले के समस्त जितने भी सीमेचो हैं उनके अधीनस्थ, क्योंकि सीमेचो जो है इसके डिप्टी डायरेक्टर होते हैं अपने जिले में और हर जिले में फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त हैं, तो उनको लगातार इसमें सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि अभी ये जो सीजन है दिवाली का त्यौहार वगैरह का, इसमें जो है ये सब जितने भी इस तरह के उल्टे सीधे जो भी मिथ्या टाइप के जो खाद्य पदार्थ हैं ऐसे प्रतिष्ठानों में, सबको तो नहीं कहा जा सकता लेकिन आधे से ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं और लगातार उसकी शिकायत भी आ रही है, उसमें भी काम चल रहा है। लेकिन अभी हमने एक पत्र जारी कर करके सभी को इसमें कठोर कार्रवाई करने के लिए और नियमित रूप से जाँच करने के लिए, अगर सैंपल उनका फेल होता है तो नियमानुसार उसकी भी प्रक्रिया को पालन करते हुए उसमें भी कार्रवाई होगी।